हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम सिस्टम थ्री में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिशू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मदद करता है लंग्स रेस्पिरीटरी सिस्टम के चीफ और वाइटल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट नेजल कैविटी सेकेंड फेरेंग्स, थर्ड एपिग्लॉटिस फोर्थ लेरेंगस फिफ्थ ट्रैकिया सिक्स ब्रोंकाय सेवन ब्रोंक्योल एथ एल्वुलाय, नाइंथ लंग्स एंड टेन डायफ्राम नेजल कैविटी नेजल कैविटी नोज का इनर पार्ट होता है जो दो पोर्शंस मीन दो भागों में डिवाइड हो जाता है नेजल कैविटी के थ्रू

फर्स्ट नेजोफेरिंग्स सेकेंड ओरोफेरेंगस एंड थर्ड लेरेंगोफेरेंगस एपिग्लॉटिस एपिगलोटिस एक छोटा फ्लैप होता है कार्टिलेज का स्टूडेंट फ्लैप मीन्स एक ऐसी चीज जो एक जगह से फिक्स होती है और किसी चीज को कवर करने के काम आती है खाने को निगलने के टाइम पे ये विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरेंगस लेरेंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स जो ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है लेरेंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को लोअर ट्रैक्ट में जाने से रोकता है बाय कफिंग एंड अदर रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैकिया ट्रैकिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप यह एक लॉन्ग ट्यूब है जो लेरेंग से फिफ्थ थोड़े से तक फैली हुई है यह लेरेंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ती है यह टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसका मेन फंक्शन अलाउ करना होता है पैसेज ऑफ एयर है। ट्रैके के बाद अगला पार्ट ब्रोंका है यह लास्ट ट्यूब होती है जो एयर को ट्रैकिया से लंग्स तक ले जाती है ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाय bronchi की फर्दर डिवीजन ब्रोंकि बनाती है वॉल पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है ब्रोंक्यूल्स एयर को एलव तक ले जाते हैं एलविलाई एलव रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एलविलाराइज बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स वेस्कुलराइज मीन्स रिच इन ब्लड वेसल्स मीन्स यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है एलविलाई गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है आरबीसी ऑक्सीजन ले, ले लेती है और सी ओ टू छोड़ देती है और यहीं सी ओ टू नोस्टल्स के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है एल्विलाईस्कोम एपिथिलियम लंग्स लंग्स आर द चीफ एंड वाइटल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये स्पॉन्जी और कौन शेप ऑर्गन होते हैं लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में मीन्स चेस्ट कैविटी में ये कवर्ड होते हैं डबल लेयर प्लूरा से जिसमें प्लूरल फ्लूड होता है जो लंग टिश्यूज और रिब्स के बीच फ्रिक्शन से बचाता है राइट लंग लार्जर होता है लेफ्ट लंग्स से क्योंकि राइट लंग में थ्री लोब्स होते हैं जबकि लेफ्ट लंग में टू लोब्स होते हैं लंग में थ्री सर्फेसिज और थ्री बॉर्डर्स होते हैं थ्री सर्फेसिज आर कोस्टल मीडियल एंड डायफ्रामेटिक सर्फेस एंड थ्री बॉर्डर्स आर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर डायफ्राम यह एक लार्ज डोम शेप मस्कुलर शीट है जो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी बनाती है ये लंग्स के नीचे होती है डायफ्राम चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करके रखता है जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स करता है स्टूडेंट्स मैकेनिज्म और ब्रीदिंग को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता देता हूँ ब्रीदिंग हम सिंपली कह सकते हैं ऑक्सीजन इनहेल करी एंड सी ओ टू एक्सहेल करी वही रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और जो उससे एनर्जी निकलती है वो सेल्स द्वारा यूज़ की जाती है ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता वही रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म मीन्स कोई चीज कैसे काम कर रही है इंस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ इन्हेलिंग एयर इन टू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन हमने एयर को इनहेल करा इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तभी होगा जब इंट्रापल्बनरी प्रेशर लेस होगा देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इंट्रापल्बनरी प्रेशर मीन्स प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा वहीं पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इंटरकोस्टल मसल्स होती है मसल्स बिटवीन द रिब्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और लंग्स एक्सपेंड करेंगे अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो इंट्रापर्मरी प्रेशर है वो कम होगा और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है तो जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाएगी एक्सपीरेशन इट इज ऑफ एक्सलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स लंग्स के द्वारा एयर को एक्सेल करने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं एक्सपीरेशन एक्सपीरेशन तभी होगा जब इंट्रापर्मेरी प्रेशर मीन्स जो प्रेशर इनसाइड द लंग्स वो ज्यादा होगा देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सपरेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स होगा और ओरिजिनल डोम शेप में आ जाएगा वहीं पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स होगी इन दोनों के रिलैक्स होने की वजह से थोरेक्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और लंग्स कंप्रेस होंगे अब जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज है तो जो इंट्रापर्नरी प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा और एटमोस्फ प्रेशर डिक्रीज है तो जो एयर होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी तो जो एयर होगी वो फ्लो करेगी आउटवर्ड